हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कल आप लोगों ने मैंने जो वीडियो भेजा आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। और उसको मैं रीडिंग की हूँ, आप लोग ध्यान से सुने होंगे। चैप्टर टू आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये आपका हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था कल रीडिंग, ये यहाँ पर देख रहे हैं ना, माउंटेन फॉरेस्ट तक हम लोगों ने कल रीडिंग कर लिया था। और आज हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ रिजोर्स। वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ओके। इंडिया हैज़ ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया में क्या है, हमारे रिसोर्स मतलब होता संसाधन, और इंडिया हैज़ रिच डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ मतलब डाइवर्सिटी मतलब होता विविधता, मतलब यहाँ पर बहुत सारे बहुत प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। आपके जो वाइल्ड लाइफ है बहुत सारे यहाँ पर पशु पाए जाते हैं, लियोपार्ड्स, लायंस, एसाइटिक एनिमल्स, द बंगाल टाइगर एंड साइबेरियन क्रेन आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया। ये सब क्या है, हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। एलिफेंट, डियर, पैंथर, द वन हॉर्न राइनोसोर्स, स्नो लियोपार्ड्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एनिमल्स सीन इन द माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस। ये सारे जो जानवर हैं ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट, जो ऊपर हम लोग देखे थे ना माउंटेन फॉरेस्ट, यहाँ पर आपके ये सारे जानवर क्या हैं, यहाँ हिमालयस में पाए जाते हैं। लायंस आर फाउंड इन द रॉकी रीजन ऑफ गिर इन गुजरात में पाए जाते हैं आपके। टाइगर्स लिव इन द सुंदरवन, टाइगर जो है हमारा सुंदरवन में, एंड द ब्रह्मपुत्र वैली में पाए जाते हैं। एंड हैज़ मोर देन 70 नेशनल पार्क्स एंड अबाउट 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट इस एनिमल वेल्थ। हम लोगों के जो इंडिया में है यहाँ आपके 70 नेशनल पार्क्स बनाया गया है और 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब जहाँ पर जानवरों का देख रेख किया जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है और उनके हेल्थ का क्या किया जाता है, देखभाल किया जाता है। वो यहाँ 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है। द काजीरंगा सेंचुरी इन आसाम, जो काजीरंगा सेंचुरी है वो आपके आसाम में है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द राइनो, जो कि यहाँ पर किसे प्रोटेक्शन दिया जाता है, राइनो। राइनो मीन्स होता है, आप लोग जानते होंगे, राइनो मीन्स गेंडा, है ना, उनको यहाँ प्रोटेक्शन दिया जाता है। द बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश, जो बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, इज़ ए टाइगर रिजर्व, यहाँ पर टाइगर को रखा जाता है, टाइगर को प्रोटेक्शन दिया जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द बंगाल टाइगर, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, द कियोलेडियो घाना नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको बहुत सारे पार्क आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ क्या है, इसकी पॉपुलरली नोन एज द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान, जो भरतपुर है, भरतपुर के बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान में, यहाँ पर क्या किया जाता है, इज़ होम टू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर मतलब बहुत तरह तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, जो इनको यहाँ पर इनकी देखरेख यहाँ पर की जाती है, कहाँ, भरतपुर बर्ड सेंचुरी में। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क इन नॉर्थ इंडिया। प्रोटेक्ट टाइगर हैज़ हेल्प टू सेव द बंगाल टाइगर इन इंडिया एंड इंक्रीज देयर नंबर। यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, किनको किया जाता है, टाइगर, और उनको मतलब सेव किया जाता है, बंगाल टाइगर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बहुत सारे हम लोग के यहाँ इंडिया में पार्क बनाया गया है और आपका सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है जहाँ पर जानवरों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। डू यू नो मध्य प्रदेश इज़ नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, आपका
जो आपका मध्य प्रदेश है उसे आपका इंडिया का टाइगर स्टेट कहा जाता है। ओके सो स्टूडेंट्स, अभी ये वाला वीडियो आप लोग देखिए और इसको पढ़िए, आप लोग भी रीडिंग कीजिए, रीडिंग करके उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट उस वीडियो में फिर नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे, ठीक है।